हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता शर्मा। किचन ऑफ अनीता शर्मा आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे। पोहे के ऐसा नाश्ता है जो झटपट बन के तैयार हो जाता है। अब मैं बताती हूँ पोहा कैसे बनाना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने 200 ग्राम के करीब पोहा लिया है। उसे मैंने अच्छे पानी से धो के और 5 मिनट को फूलने को रख दिया था। ये बारीक बारीक 2 आलू काट लिए हैं, ये 2 बड़े प्याज हैं, ये मटर के दाने हैं और ये मूंगफली के दाने हैं, ये 2-4 टुकड़े गाजर के हैं, ये हरी मिर्ची, ये अदरक, ये सजाने के लिए हरा धनिया और ये ऑयल लिया हमने। सबसे पहले हमें मूंगफली को अच्छे से तल लेना है। मूंगफली अच्छे से भून गया। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा तेल और ऐड कर देना है। डालेंगे बघार के लिए सरसों के दाने, इसे चटक जाने देंगे। सरसों के दाने हम चटक रहे हैं। अब इसमें हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे। इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे। अदरक डाल देना है, हरी मिर्ची डाल देना है, प्याज अच्छे से पक जाए इसके लिए हमें हल्का सा नमक डाल देना है। इसमें मटर और गाजर के टुकड़े डाल देंगे और थोड़ी अच्छे तरह से भून देंगे। थोड़ी देर को इसे हम पकने को ढक देंगे मीडियम आंच पे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे ये सब्जियां सारी पक चुकी हैं।
अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, एक चम्मच भर के हल्दी ऐड करना है और तेल में थोड़ा इसे अच्छे से पका लेना है। अब हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे। मूंगफली के दाने ऐड करना है। और अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। अब इन सबों को अच्छे से मिला देना है। ये देखिए कितने अच्छे पोहे बन गए। हमें कहीं जाना हो जल्दी हो तो ये पोहा हम झटपट बना सकते हैं। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। इसे बना के हम लोग टिफिन में बच्चों को भी दे सकते हैं। आ करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरे पोहा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।